कांग्रेस हाईकमान की ओर से हिमाचल की कार्यकारिणी भंग होने का कई कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर और कांग्रेसी नेता देवेंद्र जग्गी ने हाईकमान के इस फैसले पर बड़ी ही सकारात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है, लेकिन इस फैसले का हम आज भी स्वागत करते हैं, इससे नई कांग्रेस का निर्माण होगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से हिमाचल की कार्यकारिणी भंग होने का कई कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर और कांग्रेसी नेता देवेंद्र जग्गी ने हाईकमान के इस फैसले पर बड़े ही सकारात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है, लेकिन इस फैसले का हम आज भी स्वागत करते हैं, इससे नई कांग्रेस का निर्माण होगा, गुटबाजी खत्म होगी और भविष्य में नई कांग्रेस परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं जग्गी ने हाईकमान को सुझाव भी दिया कि भविष्य में उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में तरहीज दी जाए जो वाक्य में तन मन से संगठन के लिए काम करते हों और संगठन को हर हाल में बुलंदियों पर ले जाने की बात करते हों। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि जो कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया है, ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा फैसला है। इससे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी है जो वो बहुत मजबूत होगी। और कुलदीप राठौर जी जो कोशिश कर रहे थे हिमाचल कांग्रेस को इकट्ठा करके मजबूत करने की, उसको और बल मिलेगा। और मेरा एक पार्टी हाईकमान से एक मेरा सुझाव भी रहेगा और मेरी निवेदन भी रहेगा कि संगठन में उन्हीं लोगों को लिया जाए जो संगठन के प्रति वफादार हों और जो मेहनती हों। और हमारे पास अभी बहुत समय है और कांग्रेस को सुदृढ़ करने के लिए इससे बढ़िया कदम और हो नहीं सकता था। देखिए, बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में छोटी मोटी जो ग्रुप्स हैं वो बनते रहते हैं, लेकिन आज का जो पिछले कल जो पार्टी हाईकमान ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल क्लियर है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। जो पार्टी का अध्यक्ष जो चाहेगा वही चलेगा और उसी के साथ मिलकर सबको काम करना पड़ेगा। पार्टी को मजबूत करना है तो पार्टी अध्यक्ष के साथ काम करके ही मजबूत किया जा सकता है।